गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2016 सोशल साइंस का सैम्पल पेपर क्लास नाइन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच बैटल वॉज फॉट इन 1764 में जो है उनसे बैटल जो है लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ मेवाड़। हाँ जी, एनी वन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। अब जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है इसके रिगार्डिंग जो है करते हैं। द फर्स्ट वन इज बैटल ऑफ बक्सर, ये जो है कब हुई थी, दैट इज 22 अक्टूबर 1764। किन किन के बीच में हुई थी? मीर कासिम, शाह आलम टू और शुजा उद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि मीर कासिम जो है इन्होंने जो है स्पॉट मांगा था दो राजाओं से, वन इज शाह आलम टू, अनदर इज शुजा उद्दौला। शाह आलम टू जो है आपके जो है मुगल किंग है, और जो शुजा उद्दौला जो है ये जो है नवाब अवध के जो है नवाब है। और ये जो बैटल जो है जीती थी, दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है ये जो है बैटल जो है जीती गई थी। और ये जो बैटल हुई थी दैट इज इन 22 अक्टूबर 1764। अनदर वन इज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये जो है 23 जून 1957 में जो है ये जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ी गई थी। और ये जो है किस किस के बीच में लड़ी गई थी? सिराज उद्दौला। मैम कितने क्वेश्चंस हो गए? मैम मेरे नेट प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं लेट हो गई। तनिष्का, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सिराज उद्दौला एंड वर्सेस योर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है सिराज उद्दौला बंगाल के जो है नवाब है, नवाब ऑफ बंगाल, उन दोनों के बीच में जो है ये जो है लड़ाई जो है सेकंड बैटल जो हुई थी, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ये बैटल जो है जीत ली थी। अनदर पॉइंट इज दैट इज ऑप्शन सी, बैटल ऑफ पानीपत। ये जो है आपको करवाई थी थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल, पहली चीज, फर्स्ट बैटल जो है हमारी वो कब लड़ी गई थी? दैट वॉज ऑन 1526 को जो है पहली बैटल जो है हमारी जो है लड़ी गई थी। दैट वॉज बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। जहां पर 21 अप्रैल बेटा, 21 अप्रैल 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर ने जो है ये बैटल जो है जीती थी। सेकंड बैटल जो आपकी हुई थी दैट वाज ऑन 5 नवंबर 1556। और ये जो है आपकी हेमू वर्सेस जो है आपकी जो है अकबर जो है हुई थी। और यहाँ पर जो है विनर थे वो थे अकबर। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि अकबर के साथ जो तो था वो कौन थे जिन्होंने लड़ा था? क्योंकि उस टाइम पे जो है अकबर जो थे ही वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। तो किन्होंने जो है रिप्रेजेंट करा था इनकी तरफ से? कैन एनीवन स्टूडेंट कैन टेल इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? दैट वॉज बैरम खान। बैरम खान मैम, हाँ जी, इनके द्वारा जो है ये जो है बैटल जो है लड़ी गई थी। द थर्ड बैटल वॉज दैट वॉज ऑन, ये रख कर देती,
थर्ड बैटल जो थी आपकी जो है 14 जनवरी 1761 में जो है लड़ी गई थी एंड दैट वाज बिटवीन अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने जो है ये बैटल जीती थी और मराठास के साइड से जो है कौन किन्होंने रिप्रेजेंट करा था, सदाशिव राव भाव इन्होंने जो है रिप्रेजेंट करा था। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ मेवाड़, ये जो है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, उसमें मुझे जो है बताना कि जो बैटल ऑफ मेवाड़ जो है किसके द्वारा जो किसके बीच में जो है लड़ी गई थी। और मैम महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका नेम द फर्स्ट टेरिटरी एनेक्स्ड होता है हड़प लेना बाय द ब्रिटिशर्स थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है कौन सी पहली टेरिटरी को जो है एनेक्स करा था, हड़प लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। यस तनिष्का मैम, सतारा अभिजीत मैम, सतारा। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या होता है? That is on your screen. What it is? Yes, Tanishka. Ma'am, this is ma'am. कोई भी king है उसका ma'am कोई भी ma'am बेटा नहीं या फिर ma'am कोई भी adopted son है. So ma'am वो इस policy के so ma'am वो इस ma'am doctrine of lapse ma'am policy के ma'am through ma'am वो उनका राज्य ma'am हड़प लेंगे. Okay. अभिजीत अभिजीत, हाँ जी बेटा बोलो। और मैम सेम था। ओके ओके, अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है कि जो है आपके जो है एरियाज जो है ब्रिटिशर्स ने जो है कैप्चर करा, इन्होंने वो चीजें देखी कि देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर कि जो राजा महाराजा हैं उनके जो है कोई बेटा नहीं है या फिर उनके जो है अडॉप्टेड सन है, तो उन्होंने जो है ये पॉलिसी बनाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंदर जो है इन्होंने जो है जिनके खुद के बेटे नहीं है उनको जो है कैप्चर कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है। और अगर किसी का अडॉप्टेड सन है तो उसके साथ क्या करा है कि उसको जो है सैलरी दे दी जाएगी बट वो एरिया भी जो है इनके जो है अंडर आ जाएगा। द आंसर इज दैट इज तारा। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इंट्रोड्यूस करा था। ही वाज अ गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। ही डिवाइज दिस पॉलिसी, डिवाइज्ड अ पॉलिसी मींस उन्होंने तैयार करी थी। यहाँ पर जो जो एरियाज जो है एनेक्स करे थे वो जो है सतारा इन 1848, देन संबलपुर इन 1850, उदयपुर इन 1852, नागपुर देन in 1853, झांसी in 1854, अवध in 1856। Next आता है, who was the first woman president of Indian National Congress? Indian National Congress की जो है पहली woman जो है कौन थी? अमृत कुमार, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू। Yes तनिष्का। मैम ऑप्शन नंबर बी। Okay. कब थी कौन से सेशन में जो है इनको जो है उस टाइम पे कौन सा सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है चल रहा था, कौन से ईयर में जो है ये बनी थी? कैन एनीवन टेल? आंसर इज रिटन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज फेयर इनफ। की 1847 1st अक्टूबर। गलत। चलिए बताती हूँ, एनी बेसेंट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एनी बेसेंट 1917 में उस टाइम पर जो है कैलकटा सेशन जो है चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का
एंड ये जो है पहली जो है वुमेन प्रेसिडेंट जो है बनी थी. और सरोजनी नायडू हु वाज द फर्स्ट, यहाँ पर जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तब आप एनी बेसेंट लगाओगे. अगर अगर वो पूछेंगे इंडियन, इंडियन कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, दैट इज इन 1925. और उस टाइम पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कानपुर सेशन जो है आपका जो है चल रहा था. नेक्स्ट आता है कमला नेहरू. कमला नेहरू जो है ये जो है वाइफ है किसकी, जवाहरलाल नेहरू जी की. अमृत कौर, वेरी इंपॉर्टेंट. अमृत कौर जो है शी इज ये एक इंडियन एक्टिविस्ट है और इन्होंने जो है शी वाज आल्सो एसोसिएटेड विद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उनके साथ भी ये जुड़ी हुई थी. अनदर वन इज इम्पोर्टेंट वन इज शी वाज आल्सो अपॉइंटेड एज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जो है 1947 से लेकर 1957 तक जो है ये पहली जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है रह चुकी हैं, दैट इज कॉल्ड योर अमृत कौर. और कितने टाइम पीरियड के लिए, 10 years के लिए. नेक्स्ट आता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1957. जब इंडिया को जो है 1947 में जो है जब आजादी मिली थी उस टाइम पर जो है इंग्लैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे. कैन एनीवन टेल हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. चर्चिल, मैकमिलियन, मैकडोनल्ड, क्लेमेंट एटली, एनीवन. The correct answer for this is that is option D. This is your Clement Attlee. ये जो थे उस टाइम पर जो है इंग्लैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे जब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस जो है मिली थी, जब आजादी मिली थी. अब बात आती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की. ये जो है आपके जो है एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे क्लेमेंट एटली. इन्होंने जो है एज ए पीएम ऑफ यूके जो है सर्व करा है कब से कब तक, 1945 से लेके जो है 1951 तक. अनदर दीज, पहली चीज बता दूं कि ये चर्चिल, मैकमिलियन, मैकडोनल्ड, दीज ऑल आर द पीएम ऑफ यूके. ये सारे के सारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के. चर्चिल जो हैं यूके के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये 1940 से लेके 45 के बीच में. और इन्होंने कंट्री को जो है लीड करा था कब, इन द विक्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जो है कंट्री को जो है लीड करा था. Then, आपका जो है के बाद जो है another one is your Macmillan. Macmillan जो है इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1957 से लेकर 1963 का. और इन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है सर्व करा था. नेक्स्ट आता है रैमसे मैकडोनल्ड. रैमसे मैकडोनल्ड जो है ये 1924 में एंड आफ्टर दैट जो है ये 1929 से लेके 1931 तक भी रहे हैं. जो आपके चर्चिल हैं ये जो है 1951 से लेके जो है 1955 तक भी रहे हैं. दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेटेड डैश मेंबर इन राज्यसभा. कितने मेंबर्स को जो है ये जो है नॉमिनेट जो है कर सकते हैं राज्यसभा के. यस तनिष्का, 12 to 5, 10. मैम 12. ओके अभिजीत. मैम 12. ओके द करेक्ट आंसर इज दैट इज 12. अब जो है मुझे ये चीज बताइए कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है
12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करती है राज्यसभा के, वो ऑल द 12 मेंबर्स आर रिटन हियर, क्लियर, करंटली जो है और कब से कब तक है वो भी टाइम पीरियड जो है इसमें पूरा दे रखा है। एक चीज कौन सी कैटेगरी से आते हैं ये 12 मेंबर्स, या अच्छे से याद करा था जरा वो बताओ, स्क्रीन पे आंसर्स तो ऑलमोस्ट दे रखे हैं। क्लास, यस, वेरी गुड, फ्रॉम क्लास कैटेगरी, जहाँ पर सी डजंट मीन एनीथिंग। हाँ जी, द नेक्स्ट, एल फॉर लिटरेचर, ए फॉर आर्ट, सोशल साइंस, बेटा सोशल साइंस कोई भी नहीं है, द लिटरेचर ए से आपका आर्ट्स और स्पोर्ट्स एरिया भी जो है इंक्लूड है इसमें, एस से साइंस, द अनदर वन एस इज सोशल सर्विस, समाज सेवा, इन कैटेगरी से जो है इन 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट जो है करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? हाँ जी, आंसर मी दिस, यस 250, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस 250 की? 245 है मैम, 250 की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैम? 2 की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें कि 238 जो है वो स्टेट से, एंड मैम 12 बाय प्रेसिडेंट, हां 12 जो है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट करे जाते हैं। एट प्रेजेंट जो है 245 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 233 अगेन आपके जो है स्टेट से हैं, और जो है 12 मेंबर्स जो हैं इन द सेम वे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट जो है करे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट आता है, डचिंगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, विच मीन्स मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कैन एनीवन टेल, नेशनल पार्क्स करवाए थे, डचिंगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया, नोबडी नोस, द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, डचिंगम दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर का जो है एक और नेशनल पार्क है दैट इज कॉल्ड हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन इज जो है दैट इज पंपुई नेशनल पार्क एंड मुरलेन नेशनल पार्क, द नेक्स्ट वन इज मणिपुर, मणिपुर दैट इज कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क, नागालैंड दैट इज इंटांकी नेशनल पार्क, दीज ऑल आर द नेशनल पार्क्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। The next one is Article 21 is related to right to equality, property, education या फिर life, बताइए जरा, fundamental rights का chapter बहुत पार करवा दो और repeat की। Yes Tanishka, मैम option number D, life। Yes, the correct option is that is option number D. जो article 21 is that is related to right to life and your personal liberty. Okay? अब आता है बात equality. Equality का जो right है ये जो है हमारा जो है that comes under article 14 property. Property वाला right जो है रिमूव कर दिया गया है, पहले था जब हमारा भारतीय संविधान बना था उस टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे विच इंक्लूड्स राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है अमेंडमेंट के तहत जो है इसको रिमूव कर दिया गया था और इसको जो है अब लीगल राइट में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है।
नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन. एजुकेशन वाला जो आता है दैट इज आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए. आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए क्या बात करता है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 टू 14 इयर्स ऑफ एज के जो स्टूडेंट है, दे हैव राइट टू गेट एजुकेशन अंडर 82 अमेंडमेंट एक्ट 2002. ये जो है आपका राइट टू एजुकेशन जो है बोलता बात करता है 6 टू 14 इयर्स. द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन. पहली जो है कॉटन मिल जो है कहाँ पर जो है एस्टेब्लिश जो है करी गई थी, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, बॉम्बे. यस मैम बॉम्बे. हाँ जी बॉम्बे में. ओके द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज योर ऑप्शन डी. बॉम्बे में जो है पहली को जो है कॉटन मिल जो है एस्टेब्लिश करी गई थी. अहमदाबाद को क्या, अहमदाबाद इज नोन एज टेक्सटाइल हब. सूरत विच इज नोन एज अ डायमंड सिटी. लुधियाना इज बेसिकली नॉन फॉर, ये जो है कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहा जाता है. और ये जो यहाँ पर जो है पवेलियन मॉल है, देन रक बेग पार्क है. दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट चीजें जो है लुधियाना में है. द नेक्स्ट इज एक जो है गुरुद्वारा है कॉल्ड नानक सर. उस टाइम पर जो है जो फर्स्ट जो है कॉटन मिल जो है बनाई गई थी, इट लुक्ड लाइक दिस. इस तरीके से जो है कॉटन जो है आपकी जो है मिल जो है बनाई गई थी. आप देख सकते हो दे वर वर्किंग लाइक दिस. आप यहाँ पर जो है अलग अलग मशीनों पे जो है इन 1854 विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. कितनी इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है. नेक्स्ट आता है रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919, 1931, 1918 या फिर 1922. द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए 1919. नाउ टेल मी व्हाट इज रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट होता क्या है फटाफट, बहुत बार रॉलेट एक्ट जो है पूछा गया है. व्हाट इज रॉलेट एक्ट. Anyone? कि रॉलेट एक्ट होता क्या है? रॉलेट एक्ट था, ब्रिटिशर्स ने एक चीज बोली थी कि अगर हमें कोई भी पर्सन जो है हमारे अगेंस्ट जो है प्लॉटिंग या फिर हमारे अगेंस्ट जो है बात करता हुआ दिख गया. अब जैसा कि Excuse ma'am. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो मैम. इसे मैम काला कानून भी तो बोलते हैं ना. हाँ जी काला कानून के नाम से ही जाना जाता, बट ये है क्या चीज. इट इज नोन एज ब्लैक लॉ, बट व्हाट इट इज रॉलेट एक्ट है क्या. दिस इज योर जो रॉलेट एक्ट है, ध्यान से सुनो. ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर हमें कोई भी जो इंडियन जो है अगर हमारे अगेंस्ट बात करता हुआ मिल गया या हमारे अगेंस्ट कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कोई भी षड्यंत्र करता हुआ दिख गया, उनको जो है हम सीधा जो है जेल में डाल देंगे. और यही इन्होंने क्या करा. अब उस टाइम पर जो है देश के जो फ्रीडम के लिए चीजें चल ही रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है तो लोग इनके अगेंस्ट तो बात करेंगे ही ना, कि ब्रिटिशर से अपने आप को जो है कैसे जो है इनके चक्कर से जो है निकला जा सके या इनकी गुलामी से बचा जा सके. तो इन्होंने क्या करा कि जो भी लोग जो है बात कर रहे थे उनको जो है सीधा उठा के जो है इन्होंने जेल में डाल दिया. इस तरीके से काफी लोगों को जो है इन्होंने जेल में डाल दिया. और उसका जो है प्रोसीजर क्या रखा था, 3 साल तक जो है
जेल में जो है उनको जो है डाल दिया गया, और 3 साल उन्होंने कहा था कि और 3 साल तक कोई भी जो है मुकदमा भी नहीं चलेगा, 3 साल बाद जो है मुकदमा जो है चलेगा आफ्टर 3 years, तो इसलिए जो है इसको जो है काला कानून जो है बोला जाता है। दूसरी चीज जो आपने देखा था जलिया वाला बाग हत्याकांड, वो जो था वहां पर जो है लोग जो है इकट्ठे हुए थे जो जलियांवाला बाग में, वो क्यों लोग इकट्ठे हुए थे, वो इसी ही कानून के विरोध में जो है लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, जब जो है जनरल डायर ने जो है उन लोगों पर जो है गोलियां चला दी थी। Who was the founder of Asiatic Society? ये जो है मैंने पिछले लास्ट RMS के एग्जाम में भी आया हुआ था, विलियम जॉन, जेम्स वे मिल, विलियम जॉन्स और विलियम एडम। यस तनिष्का, हाँ जी बोलो। मैम ऑप्शन नंबर सी। ओके अभिजीत। मैम ऑप्शन नंबर सी विलियम जॉन्स। यस मैम। हाँ हाँ जी सर, विलियम जॉन्स के द्वारा जो है ये जो है एशियाटिक सोसाइटी जो है फाउंड करी गई थी। द लाइब्रेरी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 20,000 वॉल्यूम्स इंक्लूसिव ऑफ 8,000 जो है उसमें जो है संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, और इस तरीके से जो है इन्होंने जो है ये सोसाइटी जो है फाउंड करी थी इन ऑर्डर टू एडवांस द स्टडी ऑफ इंडियोलॉजी, इंडियोलॉजी की जो है स्टडी को जो है एडवांस करा जाए, और इन्होंने जो है जितना भी इंडिया का ग्लोरियस पास्ट है उसको जो है रीडिस्कवर करा जाए। हु इन्वेंटेड स्पाइनिंग जेनी, जेम्स मिल, जॉन लॉके, जेम्स वॉट या फिर जॉन काय? कैन एनीवन गिव मी द आंसर ऑफ दिस? स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन काय, जॉन काय के द्वारा जो है ये इन्वेंट करी गई थी। जेनी होता है चरखा जो ये आप देख रहे हो, क्लियर। स्पाइनिंग होता है कताई, अगर हम इंग्लिश में बोले तो मेक थ्रेड, जो धागा जो है बनाया जाता है फॉर्म ए मास ऑफ वूल, वूल से, ऊन से या फिर कॉटन से, दैट इज कॉल्ड स्पाइनिंग, दिस इज द मशीन स्पाइनिंग जर्नी। नेक्स्ट आता है वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड टू, इट वॉज रिलेटेड टू ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन और लैंग्वेज। ये वुड्स डिस्पैच वाला क्वेश्चन आपका जो है सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी आया हुआ है। यस तनिष्का। मैम ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन। यस, जो वुड्स डिस्पैच वॉज दैट वॉज रिलेटेड टू योर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए जो है वुड्स डिस्पैच जो है लेके आया गया। ये एक जो है रिटन डॉक्यूमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। पर्पस क्या है? एजुकेशन को जो है प्रमोट करना है इंडिया में, और ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया? बाय चार्ल्स वुड इन 1854। 1854 में जो है चार्ल्स वुड के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस करा गया था, और इट वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो है एजुकेशन को जो फैलाना जो है दैट वॉज द मोटिव बिहाइंड दिस। इट वॉज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसको जो है मैग्ना कार्टा भी कंसिडर करा जाता है इंग्लिश एजुकेशन का। नेक्स्ट आता है सिराजुद्दौला वॉज अ नवाब ऑफ बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, बंगाल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सिराजुद्दौला वॉज अ नवाब ऑफ बंगाल। अभी जो है बिल्कुल बिगनिंग में भी जो है मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में सिराजुद्दौला वॉज अ नवाब ऑफ बंगाल, और इन्होंने जो है सिराजुद्दौला ने जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ऑर्डर दिया था कि ये डिस्ट्रॉय कर दें इलीगल एडिशनल फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा, यानी कि जितना भी इन्होंने इलीगल तरीके से जो चीजें जो है हत्याएं हुई हैं, जो एरिया कैप्चर करा हुआ है उनको जो है ये या तो डिस्ट्रॉय कर दें या फिर ये छोड़ दें। और
ये आपका जो था सिराजुद्दौला कौन थे जब आपकी जो है बैटल ऑफ प्लासी उसके दौरान जो है ये नो He fought Battle of Plassey against East India Company. Next आता है Where was the first English factory set up? पहली English factory जो है वो कहाँ पर set up करी गई थी? सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता. The correct answer for this question is that is इन सूरत. सूरत में जो है पहली जो है इंग्लिश फैक्ट्री जो है सेटअप जो है करी गई थी. दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री दैट वाज सेटअप. इस तरीके से ये थी पूरी इंग्लिश फैक्ट्री जो सेटअप करी गई थी. नेक्स्ट आता है इन कोर्ट इट इज द डैश हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज. Can anyone tell? Answer is on your screen, but I want you to explain ki matlab kya hai. The correct answer for this is in court mein jo hai public prosecutor jo hai represent karta hai interest of the state. Ye public prosecutor hota kya hai? Ye ek law officer hota hai jo ki criminal proceedings jo hai conduct karte hain on behalf of स्टेट स्टेट के बिहाफ पे राज्य के उस राज्य के बिहाफ पे इन द पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए. नेक्स्ट आता है डिफेंस लॉयर वो होता है जो बच्चा पक्ष के जो है वकील होते हैं उसको जो है डिफेंस लॉयर जो है कहा जाता है. Or judge that you know who gives judgment. हाँ जी मैम. पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था मैम वो बाबर वर्सेस किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी. लोदी डायनेस्टी वर्सेस लोदी डायनेस्टी. लोदी डायनेस्टी के उस टाइम पे जो रूलर थे वो थे इब्राहिम लोदी. क्लियर? ओके मैम. हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा जो है डिस्कस मैं तभी करूंगी नेक्स्ट क्लास में क्योंकि आई होप जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं आप लोगों को क्लियर हुई होंगी समझ आई होंगी. यस मैम. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.